वेलकम अमर सर के क्लास में आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB PO प्री का एग्जाम 3 अगस्त 2019 को आज संपन्न हुआ। उसके फर्स्ट सिटिंग में आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो मुझे भेजे गए स्टूडेंट्स के द्वारा, उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चंस हैं और अगले आने वाले शिफ्ट के लिए, दूसरे दिनों के लिए ये बहुत फायदेमंद होंगे। डिफरेंट चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको 6 नंबर क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है। ए बकेट कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में बकेट में मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का। इफ 6 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 6 लीटर्स ऑफ वाटर, 6 लीटर्स ऑफ वाटर, then the ratio of the two liquids becomes 4:5. What was the quantity of water contained in the bucket? एक method of allegation से बनेगा, दूसरा ratio से बनेगा। ये दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले देखिए 6th number question को, कि अगर हम ये मान लें कि ये हमारा bucket है, इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है 2:1 के ratio में milk and water। इसमें से 6 लीटर निकाल लिया, तो जो निकाल लिया हटा दीजिए, जो निकाल लिया हटा दीजिए 6 लीटर, तो जो मिक्सचर बचा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? क्या 2:1 नहीं है जो बचा? और इसके जगह पर जो 6 लीटर डाला गया वो किसको डाला गया? वाटर डाला गया। तो समझ लीजिए मिल्क इज टू वाटर 0:1 है। डाला हुआ 6 लीटर्स और पहले से जो है दोनों, ये दोनों मिलने के बाद एक नया मिक्सचर बनता है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:5 है। जल्दी बताइए। तो एलिगेशन कहता है किसी भी एक का परसेंटेज लीजिए या पार्ट लीजिए। परसेंटेज लेने में यहां दिक्कत होगी, 66 and 2/3% और 33 and 1/3% हो जाएगा, तो हम लोग 2/3 लेते हैं। किसी भी एक का पार्ट या परसेंट ले सकते हैं। मिल्क लेना है तो मिल्क मिल्क मिल्क, वाटर लेना है तो वाटर वाटर वाटर। तो यहां 0 मिल्क और ये 4/9 है। इसका डिफरेंस है 4/9 और इसका डिफरेंस क्या है? 2/3 यानी 6/9। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6/9, 4/9, रेशियो इज 2/9, 2:1। 1 means 6 liter, 2 means how much? 6 times है, तो ये 6 times कितना होगा? 12 liter। ये part हुआ 12 liter, ये part हुआ 12 liter, लेकिन पूछा है what was the quantity of water contained in the bucket? एक तरह से वो initially इसका sense है, ठीक है? नहीं होता है तो लिख देता हूं, initially bucket, initially या फिर finally बकेट, इनिशियली इनिशियली, फाइनली भी होगा तो भी आप बनाएंगे वैसे ही। इनिशियली कहने का मतलब फाइनली अगर कहा जाएगा तो, फाइनली कहा जाएगा तो 12 और 6 18 लीटर में वाटर कितना है ये पूछा जाएगा। तो 12 लीटर में देखिए तो 2+1 3 मीन्स 12, 1 मीन्स 4, 4, 4, 4, 4, तो ये वाटर होगा 4+6 10 फाइनली। लेकिन इनिशियली तो 12+6 18 था ना, 18 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, यानी कि 2 है मिल्क, 1 है वाटर, टोटल है 3, 3 मीन्स 18 लीटर लिखेंगे, 3 मीन्स 18 लीटर, तो 1 मीन्स हाउ मच? 6 लीटर आंसर। इसका आंसर होगा नन ऑफ दी, 6 लीटर। वाटर कितना था ये पहला तरीका हुआ, फर्स्ट मेथड में बोलता हूं, ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बताता हूं, आइए सेकंड मेथड बात करते हैं। सेकंड में बात कर लेते हैं ऐसे रेशियो मेथड से, ठीक है। 2:1 के रेशियो में है, मान लीजिए पहले जो मिक्सचर है ना मिल्क एंड वाटर, 2:1 यानी 2x और 1x है,
6 लीटर जब निकालेंगे तो 2:1 के रेशियो में 2:1 मींस टोटल 3, 3 का मतलब 6 लीटर, तो 1 का मतलब 2 लीटर और 2 का मतलब 4 लीटर, कहने का मतलब जो निकलेगा उसमें 4 लीटर मिल्क निकलेगा, 2 लीटर वाटर निकलेगा। और जब हम वाटर डालेंगे 6 लीटर तो प्लस 6 हो जाएगा और फाइनली 2x माइनस 4 बाय x, और ये 6 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 बाय 5 दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, अगर तो बोलिएगा 10x 4x 6x इज इक्वल टू 4 × 9, यानी 6 से बोलिए 36, 6x मींस 6। और आपसे पूछा क्या था इनिशियली वाटर कितना था, तो x इज इक्वल टू 6 लीटर, दिस इज वाटर, यही वाटर का इनिशियली है। ये सेकंड मेथड। बोले समझ में आ रहा है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंकिंग एग्जाम एक अलग ही तरह का ऑब्जेक्टिव अप्रोच खोजता है। दरअसल कम समय में आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, ऑब्जेक्टिव वे से उसका एप्लीकेशन आपको आता है, तो विद इन गिवन टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे हैं उन्होंने इसको एंजॉय किया है, उस ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाया है जिसने उनको वहां तक पहुंचाया। दरअसल वीडियोस के रूप में जो कॉन्सेप्ट है वो सामने है और उसमें लगातार आपको क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है जिनको सॉल्व भी होना चाहिए और प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए। amarsir.in पर यही फैसिलिटी अवेलेबल है, वीडियोस, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस और इसके साथ साथ पीडीएफ शॉर्ट प्रैक्टिस और उसमें लगातार परिवर्तन, यानी पढ़ाने का एक नया तरीका। आइए amarsir.in पर, आप सबों का स्वागत है और इस नए सिस्टम का आप लाभ उठाएं। ए न्यू वे ऑफ लर्निंग ऑन amarsir.in। देखिए फर्स्ट नंबर से सॉल्व करते हैं, ठीक है? फर्स्ट नंबर क्या है? रॉन्ग नंबर सीरीज है 758, 851, 927, 1053 और 1258। पता नहीं कौन रॉन्ग है, लेकिन नंबर जिस तरह से चेंज हो रहे हैं डिफरेंस का मामला है। तो डिफरेंस का मामला है तो पूछते हैं 600 पर खड़े होकर के, टू देखिए देखिए ये 700 ना, 700 से 800 यानी 42, 758 है, 800 तो 42, यहां से खड़े होते हैं तो क्या नजर आता है? 51। कोई भी रॉन्ग हो सकता है और हमें मालूम नहीं है। यहां से खड़े होंगे तो क्या होगा? देखिए 49 और 27, 50 और 26, 76 ये नजर आएगा ना, 76। अभी हमें कुछ नहीं मालूम, पूछ के लिख रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है। 42 के बाद ये क्या है? प्लस 9, और यहां के बाद क्या है? प्लस 25। अच्छा लग रहा है, कहीं ये 5 का स्क्वायर तो नहीं, कहीं ये 3 का स्क्वायर तो नहीं, पता नहीं। अच्छा आइए यहां पर आइए, तो 927 से 26 देखिए तो प्लस 126 ये दिख रहा है। 126 होने का माने हुआ 50, यहीं पर गलत है। इसको होना चाहिए 7 स्क्वायर, इसको होना चाहिए 49, इसको होना चाहिए 70। देखिए यहां के बाद 76 था ना, यहां पर, यहां के बाद 50 नहीं बल्कि 49, यानी यहां पर होना चाहिए था 125 होना चाहिए था। सो अगर ये 125 होता यहां के बाद होता तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 1052 आना चाहिए था। बोलिए तो 1053 इज रॉन्ग, ए आंसर।
बढ़िया सीरीज था, राउंड नंबर सीरीज। दूसरा मिसिंग सीरीज है, आइए देखते हैं इस ये क्या है, इसको मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये मिसिंग सीरीज है 21, 23, 37, 71, 133 और फिर what टाइम्स नहीं हो रहा। समथिंग एड और सब्ट्रैक्ट पूछते हैं, क्या है जी प्लस टू इसमें क्या है जी? तो ये 23 से 37 हो रहा है तो 14, पता नहीं क्या है, इससे क्या है 40 पे खड़े होके बोलते हैं 31 and 3, तो 31 and 3 बोले तो 34 ऐसे बोलेंगे, क्या है? अच्छा थोड़ा देखिए तो डिफरेंसेस 12, अच्छा थोड़ा देखिए तो डिफरेंसेस 20, देखिए तो 20, अच्छा आगे क्या है देखिए तो जरा प्लस 62, डिफरेंसेस 28, यस 12 प्लस 8, देखिए कहां है ये सीरीज, कहां है ये सीरीज, जा कहां रहा है ये देखिए, प्लस 36 यानी कि प्लस 98 होना चाहिए ना, 2 इसे दे दीजिए, 231 इज आंसर, 231 इज आंसर, बी इज आंसर। ये मिसिंग सीरीज भी बहुत शानदार था। इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो सॉल्व किया जाता है डेटा इनइक्वालिटी, उसमें क्या होता है, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो इस शेप में अगर रहे, तो एक्स का जो वैल्यू होता है वो अल्फा बीटा होता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्या है, 9p² माइनस 21p प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो इसको देखिए तो ये फर्स्ट वाला क्यों नहीं 3 कैंसिल कर देते हैं, तो 3p² माइनस 7p प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, और हमें साफ दिखता है प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 4 12 और 3 प्लस 4 7, मतलब कुछ है नहीं इसमें 3 प्लस 4, और बीच में बस यही है ना, सेप कंपेयर करें तो पी का वैल्यू 1 आता है और 4/3 आता है फर्स्ट वाले। सेकंड देखिए तो क्या है, 18q² है माइनस 50q है, ठीक है, और प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो है, कैंसिल कर देते हैं, कम से कम हाफ कर लेते हैं, 9q² माइनस 25q है प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, 16 प्लस 9 तो 25 है ही, इसमें तो कुछ करना नहीं था, माइनस 16 प्लस 9 और बाय 999q, यानी q का जो वैल्यू है ये 1 है और 16/9, देखिए तो यहां 1 है 4/3 और यहां पर 1 है और 16/9 है, होगा ना। अब हम लोग कंपेयर करें तो इसमें क्या नजर आता है जरा देखिए, तो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, 1 4/3 है, 1 16/9 है, यानी पी क्यू बराबर भी हो सकते हैं, बड़े छोटे भी हो सकते हैं, देखिए तो जरा ये जो वैल्यू है ऐसे, तो ये वैल्यू दो वैल्यू के बीच में आएगा, ये हम बोल सकते हैं ना 3 से मल्टीप्लाई 12/9 इन दोनों के बीच में है, यानी कहने का मतलब 1 4/3 और ये 16/9 और ये 1, इसमें आप क्या देख रहे हैं, p का वैल्यू ये दोनों है और q का वैल्यू, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, आंसर क्या हुआ, नो रिलेशन, ये आंसर हो नो रिलेशन, बोलिए समझ में आ रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन है
फोर्थ नंबर देखते हैं, वो भी डेटा इनइक्वालिटी का ही है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर देखिए, ये क्या है, 3p² - 8p - 60 = 0। तो सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3 × 3 × - लेस करके लाना है, 2 × 2 = 4 × 3 = 12 × 5 और लेस करके लाना है, प्लस × माइनस। अगर हम 15 लें और 12 लें तो नहीं होगा, अगर हम 10 लें और 18 लें तो होगा, यानी लिखेंगे 18 - 10 और ये 3 से डिवाइड होगा, होगा ना, बोलिए। और ये p 3 से डिवाइड होगा, तो क्या आया, p का वैल्यू क्या आया, -3 n 1/3 और 6, ठीक है, 6। और सेकंड अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन का, तो देखिए क्या है, 20q² - 288q, बड़ा नंबर है, +1036 = 0। पहले 4 से कॉमन ला के कैंसिल कर देते हैं, इजी बन जाएगा, 5q² - 4 से कीजिए 72q + 4 से कीजिए 259 होगा ना, 1000 का 1/4 होता है, 250 और 9 ये 0। अब दिस इनटू दिस और ऐड करके लाना है 72, तो कैसे लाएंगे 72, जरूर इसमें फैक्टर होगा, ये 2, 3, 5, 7 देखिए, तो 7 से करेंगे तो ये 5 है, ये 7 से अगर करेंगे तो 7 से यस, देखिए 7 से 7 जा, यस 35 और 37, शानदार था, -35 + 37 क्यू, और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्यू का वैल्यू क्या आया, 7 और 5 से डिवाइड किया और डबल किया तो 7.4। अब जरा देखिए, फॉर ऑल वैल्यूज p < q, ये आंसर हुआ, इसके लिए हुआ p < q। बोलिए, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद आइए, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ हम तो पहले कर चुके थे, देखिए ये फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है, 1 rupee coins, 50 paise coins and 25 paise coins whose numbers are proportional to 3, 3 and a half and 4 are together worth ₹161. Find the number of 25 paise coins. बहुत शानदार क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। देखिए 1 rupee coin है, 1 rupee coin, 50 paise coin and 25 paise coin है। नंबर कितने कितने हैं, तो 3 है, 3.5 यानी 7/2 है और दूसरा वाला 4 है, इतने इतने सिक्के कहने का मतलब, रहने देते हैं बाद में सीधा करेंगे, इतने हैं। अब क्या है वर्थ, उसका वैल्यू, तो 1 rupee का 1 coin का वैल्यू 100 paise होता है, तो 3 coin का कितना होगा, इसका 1 का 50 होता है तो इतने का कितना होगा, 1 का 25 होता है तो 4 का कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, देखिए यानी कि 12:2, 7:4 यही वैल्यू का रेशियो होगा, वैल्यू का रेशियो 12 + 7 = 19 + 4 = 23, यानी बोलिए टोटल 23 हुआ, टोटल अगर हम बात करें तो, और टोटल दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है 161 rupees, 161। देखिए शायद कटे, 23 प्राइम है, 7 टाइम देखिए कटता है, तो हमें 25 पैसे पॉइंट कहा, तो × 7 यानी ₹28। 25 पैसे क्वाइन जो है वो ₹28 का है, तो उसका नंबर कितना है × 412, आंसर होगा कि नहीं, उसकी संख्या कितनी है, सी। बोले क्वेश्चन सारे मजेदार थे कि नहीं, मेमोरी बेस्ट हैं, स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके द्वारा भेजे हुए हैं,
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको फायदा मिलेगा. ऑल द बेस्ट.